आप देखिए गाइस, वो कुछ इस प्रकार से कचरा का, लोहा का कचरा निकल रहा है। लोहा गलता है तो उसमें का जो मिट्टी वगैरह रहता है वो सब भट्टी को मतलब पेपर करके उसमें का कचरा निकाल दिया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे कचरा भात के जैसा मतलब गिरता है, पूरा एकदम पानी हो जाता है लोहा, इतना टेम्परेचर से गलाया जाता है। मैं अगर आगे आपको दिखाता हूँ कितना टेम्परेचर में ये गलता है। ये इसमें से माल गल के एक लेडल में निकलता है जो कि वहाँ सीसीएम के माध्यम से निकलता है ब्लेड के रूप में। देखिए वहाँ पर निकल रहा है, मैं वहाँ का भी वीडियो दिखाऊंगा आगे, बने रहिए आप मेरे साथ। ये प्रदूषण लगा रहा है जो कि जो भी धुआं निकल रहा है उसको घींचने में, घींच के बाहर फेंकने में मदद करता है। और ये आपका स्पॉन्ज है जो कि मैं इसका भी वीडियो आगे दिखाऊंगा। ये स्पॉन्ज है, लोहा को गलने में मदद करता है। और आइए मैं आगे की तरफ ले चलता हूँ आप लोग को। आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मेरा नाइट ड्यूटी है, वो ये जैसी भी है जो कि लोहा वोहा को रख रहा है बराबर उधर भट्टी के तरफ डालने के लिए भट्टी में। और आपको दिखाऊंगा जूम करके अभी कितना का टेम्परेचर में लोहा गल रहा है। आप देख सकते हैं 5500 करेंट में अभी लोहा गल रहा है। वो मैग्नेट में उठाया है स्पॉन्ज, उसको डालेगा अभी भट्टी में, लोहा को गलाने में मदद करता है। मैं उसका भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, बगल में है उसका। ये अब मैग्नेट को हटा लेगा, वो लोहा कैसा भी लोहा हो, कितना भी वजन का लोहा हो, एक टन मतलब उसका भी लिमिट है, 1 टन 2 टन तक उठा लेता है। और बगल में देखिए आपको स्पॉन्ज का फोटो मैं दिखाऊंगा, ये खाने वाला स्पॉन्ज नहीं है, हालांकि लोहा को कचरे को गलने में मदद करता है। ये छोटा छोटा गोल गोल दाना जैसा रहता है, आप देख सकते हैं। और आगे मैं आपको ले चल रहा हूँ, वो लोहा गल के और सीसीएम पे जाके कुछ इस प्रकार से निकलता है, स्क्वायर बाय स्क्वायर में निकलता है, 130x30 का। आप देख सकते हैं इतना मतलब इसका टेम्परेचर हाई रहता है कि हम लोग जैसे उस पर हाथ भी रखेंगे तो मतलब गल के और तुरंत गल जाएगा, पानी हो जाएगा तुरंत गल के, मालूम ही नहीं चलेगा कब हाथ गला नहीं। इसको मैं आपको नज़दीकी से दिखाऊंगा। देखिए मैं अभी यहाँ पर तो अभी मतलब इतना हीटिंग लग रहा है कि क्या आपको बताएं, लेकिन मैं कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर हीट के सामने खड़ा होकर आप लोगों को कुछ रिकॉर्डिंग इस प्रकार से करके मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लेड कटिंग होगा, देखिए कट गया ब्लेड। वो हाइड्रोलिक सिस्टम है और उसका भी हाइड्रोलिक का भी हाइड्रोलिक में कितना मोटर वगैरह लगा हुआ है वो भी मैं अभी, ये ब्लेड जा रहा है सरिया बनने के लिए, मैं सरिया का भी वीडियो बनाया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, आप बने रहिए ऐसे वीडियो में। देखिए वो चल गया, अब इधर मैं दिखाता हूँ वो माल काट रहा है तो उसके लिए कितना बड़ा बड़ा मोटर लगाया गया है, वो इसी के बगल में है, उसका भी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार का बनाया गया है हाइड्रोलिक सिस्टम, आप देख सकते हैं बगल में, मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा आप लोग को। देखिए देख सकते हैं ये मोटर रखा हुआ, ये सब मोटर है और 25 HP का मोटर सब रखा है। ठीक है गाइस, और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।